समय के साथ विज्ञान ने बहुत तरक्की की। वैज्ञानिकों ने बहुत सारी खोजों के साथ साथ एक ऐसी खोज भी की जिससे किसी भी इंसान को हो रहे दर्द को यूनिट में नापा जा सके। जैसे बुखार को डिग्री फॉरेनहाइट में नापते हैं, वजन को किलो में नापते हैं, उसी तरह से दर्द को डॉल में नापते हैं। वैज्ञानिकों ने बहुत एक्सपेरिमेंट किए, अलग अलग लोगों पर अलग अलग प्रकार से उनको दर्द देकर उससे उत्पन्न होने वाले दर्द को उन्होंने नापना चालू किया। काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद रिसर्च करने वालों ने एक निष्कर्ष निकाला कि एक इंसान मैक्सिमम 45 डॉल यूनिट का दर्द सहन कर सकता है। इससे ज्यादा दर्द अगर इंसान को महसूस होगा तो या तो वो मर सकता है या फिर वो जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो सकता है। लेकिन अब मैं आपको एक चौंकाने वाली बात बताने जा रहा हूं। एक माँ अपने बच्चे को जन्म देते समय 57 डॉल के दर्द का सामना करती है। यह दर्द उतना होता है जितना किसी इंसान को उसकी 20 हड्डी एक साथ टूट जाने पर होता है। 57 डॉल का दर्द किसी भी इंसान की जिंदगी में सबसे दर्दनाक और रिस्की काम होता है। एक माँ कितनी स्ट्रांग होती है और अपने बच्चे की जिंदगी के लिए कितना दर्द उठा सकती है, ये बात तो वो तभी साबित कर देती है जब उसका बच्चा इस दुनिया में पहली सांस भी नहीं लेता। माँ के हाथ में भरी चूड़ियां होती है लेकिन उसकी हिम्मत के बराबर इस दुनिया में आज तक कोई दूसरी हिम्मत पैदा नहीं हुई। साइंस तो ये भी कहती है कि गीली लकड़ियों से आग जलाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैंने देखा है मेरी माँ को गीली लकड़ियों से चूल्हा जला के हर मौसम में उस पे मेरे लिए रोटी बनाते हुए। ताजुब होता है रसोई के भारी भरकम धुआं से भी अपने बच्चों के सपनों को कितना साफ साफ देख लेती है माँ। जाने किस मिट्टी के हाथ बने हैं उसके जो तवे पे उंगलियां जलने के बाद भी इतना टेस्टी खाना बना लेती है। अगर किसी भी इंसान को कभी कोई तकलीफ होती है ना, तो उसकी तकलीफ की वजह से अगर किसी दूसरे इंसान की आंखों में आंसू आते हैं ना, तो उसमें सबसे पहले माँ होती है। अगर सीखना है जिंदगी में कि प्यार कैसे किया जाता है, तो देखना एक बार अपनी माँ की तरफ। फिर इतना तो पक्का होगा कि जिंदगी में तुम किसी और का दिल नहीं तोड़ोगे। अगर सीखना है जिंदगी में कि किसी की फिक्र कैसे की जाती है, तो अपनी माँ को तब देखना जब तुम कभी घर आने में थोड़ी सी देरी कर दो और वो तब भी तुम्हें खाना खिला करके ही खाना खाती है। अगर तुम्हें लगता है ना कि मैं डेली डेली एक ही काम करके थक जाता हूँ, बोर हो जाता हूँ, तो यार एक बार देखना अपनी माँ की तरफ जब वो एक सुपर ह्यूमन की तरह घर में हमेशा सबसे पहले उठती है। एक चीज का तुम अपनी जिंदगी में जरूर सामना करोगे, देखना जब तुम बहुत बड़े इंसान बन जाओगे तब तुम्हें चाहने वालों की कोई कमी नहीं होगी। उसके साथ साथ तुमसे जलने वाले और नफरत करने वाले भी बहुत होंगे, लेकिन एक माँ वो इंसान है जो तुम्हारे साथ तब भी रहेगी जब तुम हार जाओगे, और वो तुम्हारी फिक्र तब भी करेगी जब तुम बहुत बड़े इंसान बन जाओगे। सुन मेरे दोस्त, छोटी सी लाइन में एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए जो कुर्बानियां दी है ना, उसको चुकाने के लायक तो तुम 1000 जन्मों में भी नहीं बन सकते। बस अपनी माँ का दिल मत तोड़ना यार कभी। उसने रसोई के चकले बैलन से तुम्हें आज सर उठा के अपने पैरों पे चलने के लायक बनाया। तुम्हारी किस्मत लिख दी, अब तुम्हारी बारी है। तुम लाइफ में जो कुछ भी कर रहे हो या करना चाहते हो, बस अपनी माँ के लिए अपनी मेहनत की कलम से थोड़ी सी खुशियां जरूर लिख देना। अपनी माँ की कुर्बानियों को कुछ इस तरह से सलामी देना कि देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम कर देना। जय हिंद।